अस्सलाम वेलकम टू माय चैनल, आई एम सैयद तनवीर जी। गर्ल्स, तो आज मैं आप लोगों को होममेड उबटन बताऊं कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप घर में भी उबटन बना सकते हैं, और वो कैसे बना सकते हैं उसका सारा तरीका सारा मेथड मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी। वीडियो कम्प्लीट देखने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकती हैं जी। गर्ल्स, तो सबसे पहले मेरे पास ये एक लेमन है और बेसन है, हेल्दी है, और खुश्क दूध है जी। तो आपने 2 टीस्पून लेना है बेसन, 1/2 टीस्पून जो है हेल्दी लेनी है, और 1 टीस्पून लेना है खुश्क दूध। वैसे कच्चा दूध मिल जाए ज़्यादा अच्छा है, बकरी का दूध, वो फिर आप हसबेंड रोट डालें, और जो है लेमन जूस ये 1/3 हिस्सा, मतलब 1 चम्मच का 1/3 हिस्सा जो ऐड कर ले, मतलब 5 ड्रॉप ऐड कर ले इसमें, और रोज़ वाटर आपने ऐड करना है 1/2 टीस्पून। ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। ये है होममेड उबटन, आप इसको बना के जब अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। मैं आपको इसका लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे, तो मैं आप लोगों को मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अप्लाई कर लिया हुआ है अपने हैंड पर, इनको मिक्स किया है, इसमें लेमन भी ऐड कर लिया है, दूध भी, आर ग्रेडियंट्स जो आप लोगों को दिखाए मैंने ऐड कर लिए हैं। अब इसको 20 मिनट लगा के छोड़ देना है, आप लोगों ने 20 मिनट लगा रहने दे। इससे आपकी स्किन टाइट भी होती है, स्किन फेयर कलर में आती है, ब्राइडल के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, और आल गर्ल्स गर्मी में यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। तो आपका स्किन फेयर होता है, एक्ने प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और पिगमेंटेशन वो भी ख़त्म होती है जी गर्ल्स। तो अभी मैं आप लोगों को इसको मेल्ट करके दिखाती हूँ। आपने इसको जब भी खुश्क हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी 20 मिनट के बाद, रोज़ वाटर वो लगा लेना है थोड़ा सा, और उसको मेल्ट करना है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो सर्कुलेशन मोमेंट में भी आप इसको राउंड में भी घुमा सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन लटकी हुई है, आपकी 30 से 35 साल एज है, तो फिर आप इसको ऊपर की तरफ जो है मसाज करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन इसको राउंड में भी आप घुमा सकते हैं, अगर 20 एज है, 80 है, या फिर 25 है, मीन्स के यंग गर्ल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ओल्ड गर्ल्स भी। इससे आल टाइप की स्किन जो है वो बहुत ही परफेक्ट हो जाती है और सेट हो जाती है, ठीक है। अब इसका मैं मसाज कर रही हूँ, इसका मसाज जो है मैं 5 से 6 मिनट करूँगी, और मसाज करने के बाद इसको वॉश कर लेना है सादा पानी से, किसी साबुन से वॉश नहीं करना। साबुन से वॉश करने के लिए आपने सादा पानी से वॉश करने के बाद क्या करना है कि 3 घंटे बाद आपने साबुन से वॉश करना है, वैसे वॉश नहीं करना। तो इसका आप रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, ये मैंने अच्छे से इसको मसाज कर लिया हुआ है, अब ये देखें ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है इसका, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि क्योंकि इससे जो इसमें हेल्दी यूज़ होती है, हेल्दी में विटामिन ई भी होता है जो हमारी स्किन को वाइट करता है, इसके अलावा बेसन में भी विटामिन ई होता है, विटामिन डी भी होता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही परफेक्ट है, और इसमें मेलानिन को कम करने की कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड होती हैं जिससे हमारी स्किन को ये काफ़ी फेयर करता है, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।